Hi, this is Ronika Wahi. Hope you're all having a great time and keeping safe. And hope these festivals, the harvest festivals, bring a lot of prosperity and happiness to all of us. So I'm back with another interview. Aaj hum baat karenge award-winning blogger Deepika Singh se. She writes about parenting. She writes about finance, health. Also writes fiction. She writes about education. So there's a lot of stuff that blog on motherhood, particularly won a lot of. बहुत तारीफ मिली है इन्हें, इन्हें अवार्ड हैं and it has been listed among the top blogs in India. उनका जो lifestyle blog है that has for 3 consecutive years been listed as the top blog in the lifestyle category in India. So so apart from that, like I mentioned, she writes fiction. So she also has one ebook that she's written, which has 11 short stories. And apart from all of this, she dons one very special hat, which is that of motherhood. So we'll find out all about her story and the work she does from her today. So thank you. सबसे पहले तो दीपिका जी agree करने के लिए इस interview के लिए. Start करें. Thank you, Ronika ji. It's my pleasure कि मैं आपके channel पे आई. And when you approached me, it was a sheer honor कि because I have seen your work, I have been interacting with you Twitter पे काफी time से. हम लोग chat shows भी साथ में participate करते थे. इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था मेरे लिए आपको अच्छे से जानना और आपका काम देखना. And thank you, आपने इतनी तारीफों के पुल बांधे मेरे. मैं एक्चुअली अभी भी सीख रही हूँ एंड आई एम ग्लैड. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना जब कोई बोलता है कि इनका ब्लॉग ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है. सो इट वाज अमेजिंग टू हियर ऑल दोस थिंग्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन. आई स्टार्टेड माय ब्लॉग कुछ साल पहले जब ब्लॉग क्या होता है मुझे पता भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज आई वॉज वर्किंग बहुत सालों तक मैंने काम किया MBA करने के बाद देश विदेश में काम किया. फिर जब मदरहुड जैसे आपने बोला डॉन्स अ स्पेशल हैट ऑफ मदरहुड, तो मदरहुड आने के बाद हम लोग एक असहाय सा फील करते हैं कि अब शायद नौकरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सपोर्ट नहीं है, बच्चा कौन पालेगा. एंड इनवेरिएबली वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर ही आ जाता है. शायद नॉट इंडिया, वर्ल्ड ओवर सोसाइटी ऐसी ही है. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय मदरहुड जर्नी, दैट टाइम आई फेल्ट कि मैं जो इतने साल से काम कर रही थी, 10 साल 12 साल काम किया, उसका क्या होगा. एंड वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ना बिल्ड होने लगा. देन समबडी टोल्ड मी व्हाई डोंट यू राइट इट आउट बिकॉज यू कैन राइट. और तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं बैंकिंग के अलावा कुछ और भी लिख सकती हूँ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, वो कहते ना अंदर की भड़ास निकालते 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 बहुत अच्छा लिखने लगी. एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. भगवान वॉज वेरी काइंड ऑन मी और सब कुछ चलता रहा. एजुकेशन, तो आई स्टार्टेड माय ब्लॉग एज अ पेरेंटिंग ब्लॉग क्योंकि ज़्यादातर मम्मियाँ यही करती हैं, जब कुछ नहीं होता तो अपने बच्चे के बारे में लिखती हैं. तो मैंने भी वही किया, अपने बच्चे के बारे में लिखा कि पेरेंटिंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं. देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट सोशल चैलेंजेस विच वी वुमेन फेस क्योंकि मैंने 12 साल काम किया था मेरी बेटी होने से पहले. तो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस, यू नो कैसे प्रमोशंस में प्रॉब्लम्स होती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द फेस कि आपकी शादी कब होगी और यू नो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ. तो उस हिसाब से मैंने सोशल स्टिग्मा के ऊपर आर्टिकल्स लिखे. कुछ आर्टिकल्स काफ़ी पोर्टल्स को बहुत अच्छे लगे एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि नहीं, जो भी लिख रही हूँ अच्छा लिख रही हूँ. एंड फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट खरीदी एंड द जर्नी स्टार्टेड. राइट. सो आप जैसे अभी आपने मदरहुड का शेयर किया हाउ इट स्टार्टेड एंड देन यू ग्रेजुअली मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स. सो आपका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, फर्स्ट यू स्टार्टेड इन सेल्स, देन यू स्टार्टेड इन बैंकिंग, देन यू वर अ ट्रेनर, राइट? सो स्पेशली टू ट्रेनर का एक्सपीरियंस था, दैट आल्सो हेल्प्ड यू, यू नो, मे बी टू गेट टू दिस जोन वेयर यू वर शेयरिंग नॉलेज विद पीपल, राइट? तो आप नॉलेज बाकी अपना एक्सपीरियंस, अपनी इनसाइट अपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, एजुकेशन में और
जो भी आपका बुक्स के ऊपर ओपिनियन है या जो भी हेल्थ वाइज चीजें आपने सब करी, तो जब इतने सारे आप टॉपिक्स के साथ डील कर रहे हो अभी फिलहाल अपने ब्लॉग में, यू बीन डूइंग इट फॉर मोर देन 5 years नाउ, राइट? सो व्हाट इज द ओवरऑल विजन दैट यू आर वर्किंग विद? इतने सारे टॉपिक्स में जब आप लिख रहे हो, क्या आपकी ओवरऑल विजन है? लाइक व्हाट डू यू वांट योर एंटायर वेबसाइट टू प्रेजेंट? क्या रोनिका जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें कोई मैं बात घुमा के नहीं करूँगी, सच्ची बात बताऊँगी. व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग, मेरा कोई विजन नहीं था. मेरा विजन बस ये था कि मुझे लिखना है और एटलीस्ट 30 पोस्ट लिखने हैं सो दैट मैं अपने ब्लॉग को रजिस्टर कर पाऊँ इंडियन डायरेक्टरीज में. 30 पोस्ट लिखते लिखते आई रियलाइज कि मदरहुड के अलावा भी बहुत चीज़ें, बिकॉज जिस एनवायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ, आई एम ग्रोन अप इन अ वेरी एजुकेटेड फैमिली एंड आई वॉज ऑलवेज अ रेबल, यू नो, कि Why girls cannot talk about cricket? Why girls cannot do this? मैं अपने बैच की शायद आई वॉज द ओनली गर्ल स्टूडेंट हु वेंट ऑल द वे फ्रॉम माई होम टाउन टू नोएडा फॉर इंटर्नशिप ऑफ 6 months. और उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s, जब ये बहुत अतरंगी सी बात होती थी फॉर अ गर्ल कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. तो मेरे अंदर वो कीड़ा था कि वाई गर्ल्स कैन नॉट टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स. फिनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वेलनेस हो गया, हम लोग सब कुछ जान सकते हैं. वो जो कहावत है ना इंग्लिश में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स गुड फॉर नन, आई टॉक अबाउट जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई कैन लर्न एवरीथिंग, यू नो, आई कैन लर्न एवरीथिंग एंड आई कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग. आज आप मुझसे पॉलिटिक्स की बात कीजिए, आज आप मुझसे एजुकेशन की बात कीजिए, किसी भी टॉपिक पे, जियो पॉलिटिक्स, बायो पावर, किसी भी चीज की बात कीजिए, आई वुड हैव समथिंग और द अदर टू से बिकॉज आई लर्न दैट. ट्विटर इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म्स और मेरे ब्लॉग के आधे से ज्यादा टाइटल्स एंड आइडियाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम फ्रॉम ट्विटर. जब हम लोग देखते हैं ना कोई चीज ट्रेंड हो रही है एंड आई रीड दोज मैसेजेस, लोगों के मन में क्या है, देन आई राइट ऑन दैट. सो द विजन नाउ इज अ लाइफस्टाइल ब्लॉग. जब कोई पढ़ने आता है तो उसको उसमें सब कुछ मिलेगा, यू नो, हिंदी मूवी की जैसे पूरा मसाला मिलेगा. उसमें बच्चे का परवरिश कैसे करना है वो भी है, बच्चों के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो भी है, आप खुद कैसे रह सकते हैं वो भी है, आप अपना घर अच्छा कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यू नो, सब कुछ मिलेगा आपको. बट आई स्टिल चूज टॉपिक्स विच आर रेलिवेंट इन टूडेज टाइम, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग, फिर वो खिचड़ी हो जाएगी. हाँ, राइट. सो अच्छा, जो आपका सबसे पॉपुलर जो सेक्शंस हैं आपकी वेबसाइट पे gleefulblogger.com पे, दैट इज ऑन पेरेंटिंग ऑफ कोर्स, राइट? यू बीन, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, लिस्टेड अमंग द टॉप मॉम ब्लॉगर्स इन इंडिया. सो एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कोई स्पेशल पेरेंटिंग टिप्स, बिकॉज यू योर सेल्फ आर अ पेरेंट, राइट? सो आपकी एक डॉटर है, तो एनीवे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू रेज अ चाइल्ड, बट देन इफ यू आर ऑल्सो वर्किंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ ग्रोइंग किड, इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग. सो वर्किंग मदर्स के लिए स्पेशली क्या आप पेरेंटिंग टिप्स कुछ शेयर करना चाहो कि कैसे वो हैंडल करें अपने किड को और यू नो अपने करियर को बैलेंस करें? रोनिका जी, आपने एक ऐसा सवाल मुझसे किया है जो मैं हमेशा बचती हूँ जिस क्वेश्चन से, बिकॉज आई एब्सोल्युटली डोंट बिलीव इन गिविंग ज्ञान एट ऑल. क्योंकि जैसा आपने बोला कि रेजिंग अ पेरेंट, रेजिंग अ चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ह्यूज टास्क एंड आई एब्सोल्युटली अग्री, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी मदर इज डिफरेंट. बट मैं जो इतने साल, माय किड इज 9 years नाउ, सो व्हाट आई हैव सीन ओवर दीज 9 years इज वी पेरेंट्स, स्पेशली द मदर्स, वी गेट overhyped and we get over zealous, you know, कि मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा. तो ये हर पेरेंट के थ्रू निकलता है. बट वट आई टेल माई फ्रेंड्स एंड वट आई ऑल्सो राइट इन ऑन माई ब्लॉग, जैसा आपने बोला कि पेरेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैटेगरी, उसमें मेरा एक थीम है जिसको मैं बोलती हूँ ग्लीफुल पेरेंटिंग. आई टॉक अबाउट थिंक अबाउट वट यू आर डूइंग, क्योंकि आपका हर एक्शन जो है उसका अपोजिट रिएक्शन आपके बच्चे से आएगा. So if you are shouting and telling your child not to shout, that kid is understanding that you have to shout twice the amount of your, you know, आपको दो बार उतनी ऊंची आवाज करनी पड़ेगी to snub somebody else. तो आप तो अपने बच्चे को सिखा रहे हो चिल्ला के कि चिल्लाओ मत,
लेकिन आपका बच्चा समझ रहा है कि अगर मुझे किसी को चुप कराना है तो मुझे अपनी आवाज को बढ़ाना ही पड़ेगा, यू नो. सो एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन फ्रॉम योर चाइल्ड. तो जस्ट थिंक व्हाट वी आर डूइंग. मैं सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, हमेशा वही बोलती हूँ, थॉटफुल पेरेंटिंग. कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक सेकेंड सोचो कि आप क्या कर रहे हो. दैट्स द ओनली थिंग आई टॉक अबाउट ऑन माई ब्लॉग एज वेल एज आई पर्सनली फील. एंड मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ 99% ऑफ द टाइम्स. बाकी तो फिर हम सब इंसान हैं. राइट. सो अच्छा, आई नो आपने बोला मुझे ज्ञान नहीं बांटना है, बट यू नो दिस इज अ क्वेश्चन दैट ऑलवेज कम्स टू माइंड. एक पहले मैंने इंटरव्यू लिया था वर्षा श्रीवास्तव जी का, वो राइटर है एंड शी इज अ होममेकर एंड शी इज आल्सो पॉपुलर हिंदी राइटर. तो उनसे भी मैंने ये डिस्कशन की थी कि हाउ शी इज जगलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ राइटिंग करियर एंड हर हाउस होल्ड वर्क. तो मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप कैसे करते हो, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट, की आप क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, how do you plan your writing in the day, how do you put it? I have made many strategies in the past, lekin trust me, for a mother who is also a working mother, ab aap usko freelancing work bole ya home work from home bole, कभी ना नहीं काम करता है अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हो. बिकॉज व्हेन यू आर एट होम यू विल हैव 100 डिफरेंट चैलेंजेस टू फेस. कभी नींद नहीं आ रही है, कभी बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी उसको पढ़ते हुए वॉमिटिंग आ रही है, कभी आपका गैस खत्म हो गया है, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करती है. सो बेस्ट थिंग इज व्हाट आई डू इज मेरे को हफ्ते में 4 ब्लॉग अगर लिखने हैं तो आई मेक श्योर कि हफ्ते के एंड तक मेरे 4 ब्लॉग होने चाहिए. अभी आई कैन नॉट डिसाइड कि मैं सुबह 5 बजे लिखूंगी या रात को 12 बजे के बाद लिखूंगी. बट माई मोटिव इज इन अ वीक आई नीड टू राइट 4 आर्टिकल्स. हाउ एवर आई राइट दैट इज माई हेडेक एंड समहाउ आई ट्राई टू. उसमें क्या होता है ना, आपका जैसे आपने बोला शुरुआत में कि वीडियो रिकॉर्ड करना इज ईजी लेकिन बाकी सब करना इज वेरी टफ, सेम वे ब्लॉग लिखना इज वेरी ईजी बट आइडिएशन इज वेरी टफ. सो वट आई डू इज कभी भी आइडिया आता है, इवन इफ आई एम स्लीप सोने से पहले दिमाग ज्यादा काम करता है, राइट, या फिर आप जब शांति से बैठे हो चाय पी रहे हो तब दिमाग ज्यादा काम करता है. तो आई इमीडिएटली मेक नोट्स एंड वो नोट्स के ऊपर जब आप काम करोगे ना देन यू गेट खटक खटक से आइडियाज. एंड टाइम मैनेजमेंट अदरवाइज यस वी डू हैव टाइम टेबल्स, बट एज आई मेंशन कि टाइम टेबल्स आर यूजुअली मेड टू फेल. सो आई रियली डोंट बिलीव इन टाइम टेबल्स. ट्राई करती हूँ और अपनी बेटी के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि टाइम टेबल्स मत फॉलो करो, नहीं तो वो अभी से ही बिगड़ जाएगी. Right. So okay, thank you for sharing your perspective on this. Okay, so एक चीज मुझे लगी जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी चाहिए. Actually क्या होता है ना, जैसे money matters है, right? You know, जब हम फाइनेंसेस वगैरह की बात करते हैं, एक्चुअली यू नो इफ अनलेस वी आर इन दैट फील्ड, वी आर स्पेसिफिकली स्टडिंग दोस कोर्सेस, हमको स्कूल कॉलेज में उतना सिखाया नहीं जाता. सो एज वर्किंग प्रोफेशनल्स वी लर्न ग्रेजुअली. फ्रेंड से पूछ लिया, कलीग से पूछ लिया, पेरेंट्स इधर उधर से पूछ पूछ के अपनी रिसर्च कर करके पता करते हैं, राइट. आई थिंक दैट होल्ड्स फॉर यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो एंड फॉर मदर्स ऑल्सो, लाइक हाउ डू दे मैनेज देयर मनी. So you have this one section on your blog, yes, where you talk about investments, you're talking about schemes, you're also talking about scaling and expanding you know certain kinds of businesses. So kuch thodi bahut tips agar aap de pao, like for mothers or for whatever category you write about, like how they can better manage their money and you know increase their overall savings. So Ronika ji, if you allow, I'll just share my screen and I'll show my blog to you and probably we can talk about it later. Yes. So this is my blog, how it looks like. And on finance, I have a clear category on finance. So when we talk about finance, see, I have a lot of articles. But agar aap dekhoge, toh mera majority of articles are not talking about kaise आपको इन्वेस्टमेंट करना है. वेल्थ मैनेजमेंट में नहीं सिखाती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली दैट नोबडी कैन टीच यू. आपका सिर्फ जो वेल्थ मैनेजर है वही आपको बता सकता है. आई टॉक अबाउट व्हाई यू शुड डू दिस एंड आपका मनी आप घर पे, क्योंकि यू नो हम गृहिणियों को आदत होती है. देखिए जैसे ये अभी आर्टिकल है इंटरनेट सेफ्टी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग डिजिटल मनी.
and five ways to teach money to your kids. Like, this is one article which I really love. How to teach value of money to your kids. So I just showed you those articles. Like, so how I started is, I don't want to tell you what is wealth management, because jab aap actually invest karoge, aapke wealth manager jo aapse paisa le raha hai, fees charge kar raha hai, wo aapko sab kuch sikhayega. But before doing it, we should have some knowledge. And I absolutely believe in learning new things every day. तो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया. इंश्योरेंस अभी हमारे पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस, LIC तो सबके पास होता है, बट हमारे पास LIC क्यों है? LIC मैच्योर होगा तो हमको कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा टैक्सेबल इनकम है कि नहीं है, ये सब चीजें लेडीज को जानना चाहिए. म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? आप घर पे, हम यूजुअली मामा मदर्स को देखते हैं, यू नो, कि वो बर्नी के अंदर पैसे छुपा के रखे हुए हैं, हमने हमेशा देखा है. तो वो पैसे इज लाइक जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, यू इन्वेस्ट दैट मनी, पुट इन क्रिप्टो करेंसी, पुट इन गोल्ड बॉन्ड्स, पुट इन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पे आपको पैसे का रिटर्न आए. एंड यू डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम पापा. यू नो, मदर्स को वही लगता है कि अरे इनको बताएंगे तो ये तो मना कर देंगे, इनको पता चल जाएगा हमारे पास इतना पैसा जमा है. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. यू जस्ट बेसिक गूगल, आज तो गूगल सबके हाथ में. माय मॉम यूजेस गूगल लाइक एनीथिंग, यू नो, कुछ भी होता है होती है, अच्छा गूगल करके बताती हूँ. तो गूगल इज एवरीवेयर. तो दिस ब्लॉग इज ऑल्सो लाइक अ गूगल. यू जस्ट कम लर्न एंड देन टेक योर फाइनेंशियल एडवाइसेस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. Right. So I think that's these kind of articles are also very helpful. Like I was talking about, these things are not taught, right? Because school, college level पे भी नहीं सिखाया जाता. That's why, you know, mothers are, I mean, you know, they won't, a lot of mothers won't do this, that, you know, they would invest in certain kinds of schemes. Even, you know, even these days when there are so many opportunities available, you know, it's easy to invest things just using your phone also. Even then, you know, people of our mother's generation, women especially, they hesitate. So whatever little they have, like, you know, save it. And they don't want to, they would say that, you know, main risk nahi lungi and all that. They want to, like, you know, preserve that money, you know, and not, absolutely don't really know about the benefits of thing. मैंने एक चीज और नोटिस की है रोनिका जी, लाइक हमारे मॉम का जो जनरेशन था, हमारे मदर्स, इनफैक्ट उनके बाद की भी जो जनरेशन, लाइक मेरी चाची बुआ वगैरह जो मॉम से यंगर है, बट द सेम ओल्ड जनरेशन, दे वर मोर करेजियस टू टेक रिस्क. आज की जो जनरेशन है, स्पेशली हमारी और हमसे छोटी जनरेशन जो है, पंजाबी में एक वर्ड ना बेड़ा गर्क हो गया, इन लोगों का एक्चुअली बेड़ा गर्क हो गया है सिर्फ व्हाट्सएप देख देख के. बिकॉज यू सी लॉट ऑफ रूमर्स ऑन व्हाट्सएप एंड knowingly, unknowingly, people fall prey to it. Matlab, I know there are a lot of people who are educated but still falling prey to such hacks. So, हमारे जो older generation था, they are like much more mature. दो इतने options नहीं थे उनके पास चीजें ढूंढने का और information gather करने का, but they were much more mature because उनकी information newspaper से और news channel से ही आती थी. हमारी आधी information तो WhatsApp और Twitter से आती है. तो problem वहाँ पर है. Right. So, so it's like, you know, really important to be safe. And people, you know, even younger people, right, like you rightly said, they just, you know, click on links, you know, despite the fact that there are so many advertisements. You know, banks also keep sending you messages that don't share your OTP with somebody, or don't just click random links. Even then, you know, it's, I think, more needed, because there are so many things that are happening and with easy access, but of course talent is Is the reason I have written 2-3 articles on internet safety, like how to use your money online and even on WhatsApp banking. Because there was an article, there was a brand I worked with who have launched WhatsApp banking, and I've categorically explained, like, you know, how to make sure that your account is secured. So that is the reason I write these articles, to understand how safe you can use your money online as well. Right. Okay, so now talking about, okay, so this was about your blog. Now I'm also interested in knowing about your ebook that you've written, right? It's a collection of 11 short stories, one of which, Wrong Number, has also been made into a film. It's available on YouTube. Right? So if you could just tell us something about your book, it's all called Love. So it was actually,
the stories are 11 stories which I wrote in a book, which I actually compiled in a book. The idea, the initial idea was 27 or 24 love stories which I have written for a blogging challenge. Out of those 27 or 24 stories, I picked up these 11 stories which are like very close to my heart. और ये स्टोरीज ऐसी हैं जो दिस वॉज माई फर्स्ट सोलो बुक. उससे पहले मैंने एंथोलॉजी लिखे हैं जिसमें ना काफ़ी सारे राइटर्स अपने एक एक स्टोरी डालते हैं. तो एंथोलॉजीज मैंने ऑलरेडी लिखे हुई है एक दो. दिस इज माई फर्स्ट सोलो ई बुक. एंड आपने से उस दिन मुझसे क्वेश्चन किया था KDP पे है, तो मैंने अभी तक KDP पे नहीं डाला था बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं करूँ कि नहीं करूँ. बट आई हैव रिसीव्ड सो मेनी एक्यूलेट्स फॉर दिस बुक. लोगों ने इतनी तारीफ की कि छोटी छोटी स्टोरीज हैं और बहुत रिलेटेबल स्टोरीज हैं. एंड थैंक्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में, उनको ये रॉन्ग नंबर बहुत अच्छा लगा. एंड विच वॉज अ वेरी छोटा, यू नो, दो लोगों का आपस में बात करें, फोन पे स्ट्रेंजर्स हैं. एंड इवेंचुअली बाय द टाइम उनकी कॉन्वर्सेशन 20 मिनट की खत्म होती है, दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर्स वॉइस एंड थॉट्स. So this was a video which it's a short movie actually जो उन्होंने मेरी story के ऊपर बनाई. तो मैं दोबारा screen share अगर कर सकती हूँ if you don't mind, so I'll just right. try to show you a small glimpse of that movie. Sure. Yeah. Hello. Hello. Yes. May I talk to Raghav? Raghav? Who? Isn't this Raghav's number? Do I sound like Raghav? Hell no. He has a coarse voice, like a frog. Whereas yours is... Mine what? Your voice is sweet, yet challenging. Hmm. Do you know what's the full form of hmm? No. Why? Hmm is hug me more. Come on, that's not true. I've never heard that before. So that was the movie which we were talking about, A Wrong Number. So it was a story. It was a very funny little story of two strangers, you know, calling on phone. So about this book, ये book बहुत cute सी 11 stories की book है, बहुत बड़ी book नहीं है. और अभी मैंने free रखी हुई है. I have not put it on KDP, but just because a lot of people have asked me and plus you also questioned me that day. So I'm actually thinking ki very soon I'll add some more stories and put it on KDP. Right. So ye jo aap sari cheeze likhte ho different categories on your blog, and you also have a fiction wali category. Fiction section. Yes, yes. Yes. What do you enjoy writing the most? Fiction. I am a die-hard John Grisham and die-hard Sidney Sheldon fan. बचपन से मैं उन्हीं को सब पढ़ती आ रही हूँ. एंड आई लव फिक्शन. मतलब मुझे आप रात को बैठ के भी स्टोरी लिखवाओगे, मैं लिख दूंगी, खुशी खुशी लिख दूंगी. एंड माई फेवरेट जॉनर इज हॉरर. बट पता नहीं, मुझसे हॉरर लिखा नहीं जाता है. आई कैन रीड हॉरर एवरी डे, बट आई कैन नॉट राइट हॉरर. दैट्स वन ऑफ द यू नो वीकनेसेस आई हैव व्हेन इट कम्स टू राइटिंग. But otherwise, I love writing fiction. And secondly is parenting, because parenting is something which is, you know, हम लोग अगर आप मेरा blog रोनिका जी आप पढ़ेंगे या फिर अगर आपके viewers पढ़ेंगे तो it is more of an experiential blog. मतलब कि I don't preach on my blog कि do this, do that, don't do this, don't do that. I talk about जो मेरी life में हुआ है और जो मैंने सीखा है. And that's how you set a tone. You know, it is when you connect people with personal life, they enjoy reading. And touch wood, that is the reason I have such good readership also on my blog. So, yes, I enjoy writing fiction, as you asked for. Right. Again, I'll come back to this aspect of, you know, juggling this work. So, you know, what is... after, you know, motherhood, what happens is that a lot of women give up on their careers, right? Because it's genuinely very difficult to manage. But at least they take a break for a few years and then they find it challenging to restart. So, aap dusri mothers ko kya kehna chahoge? Any message you can give them to like not give up on their dreams or their passions, how they can keep their passions and their interests alive and their dreams alive? Hmm.
पता क्या, हमारे ड्रीम्स जो है ना वो कभी नहीं मरते, पैशंस कभी नहीं मरते. इट इज जस्ट दैट हम उनको सेल्फ डाउट करके ना, हम औरतों को बहुत बड़ी बुरी बीमारी होती है. हम लोग वी वट एवर रोल वी आर इन, इवन इफ वी आर इन टू कॉर्पोरेट्स और वी आर अ मदर, वी आर अ वाइफ, वी आर अ गुड डॉटर इन लॉ, कोई भी अवतार में हो, वी ऑलवेज सेल्फ डाउट आर सेल्फ. दैट इज द बिगेस्ट यू नो व्हाट डू आई से बीमारी वी हैव. That's psyche which we have, like, are we doing good? Or agar hum log dobara job karne jayenge, plus unfortunately HR practices across the globe are like that. Like if women are taking sabbatical, they have to start again from the scratch. Even I faced the same thing when I took sabbatical, and after that I tried to go back to my corporate life because I left my job as a trainer. But I couldn't get the same profile, you know, the same pay package and same profile. So I shifted from corporates to teaching. So this is a drawback which we have, or probably word over, that is the reason women are fighting for equality. So the only thing which I would like to tell all the ladies who are your viewers and anybody who is watching this show, is like, don't self-doubt yourself. There is always a chance to start. And probably मैंने जो पिछले दो साल में देखा है lockdown में, when everything had come down to online, I have seen lot of women who are good in, you know, art, or who are good in soap making, candle making, embroidery. अचानक से सब लोग इतना सारा अपना showcase करने लगे on YouTube, on Instagram, Facebook. Then India does have lot of talent. We women have lot of talent. It is just that वो छोटी सी जो झिझक होती है ना कि मैं दोबारा जाके कैसे करूंगी. नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जस्ट गैदर योर बूट्स, वेयर इट अप, पुल इट अप एंड लेट्स स्टार्ट. बिकॉज आप इतना कुछ कर चुके हो अपनी लाइफ में कि आपको हारने से डर नहीं लगना चाहिए. माय हस्बैंड ऑलवेज से, यू नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर. एवरी फॉल दैट यू टेक, इट्स अ लेसन फॉर फ्यूचर. सो दिस इज व्हाट माय हस्बैंड ऑलवेज सेज, एंड आई लाइक फ्लिक हिज कोट एवरीवेयर आई पॉसिबली कैन डू. सो There is no failure for us women, because we have already proven our worth by giving birth to a child, right? And we have already done whatever we could in life to vanish this role. So just don't be afraid of kya hoga, take it up, dekho kya hoga, karke dekho. Thank you for sharing that message. And this is for women and also for men too, right? Don't hesitate. If you watch, I'll put that on the end screen. The last interview I took was with a tarot reader, Akriti Bhatia. So she talked about this year as being, 2-2-2. So this is a number, this takes the year of harmony. So it's a year of balance, it's a year of growth. So let's all move towards new beginnings and doing new stuff, right? So do watch that video on my channel also. And okay, so I want to ask you, since we're talking about New Year, what have you made some New Year resolutions for this time, for your blog, for your professional work and for your personal stuff? Any resolutions you've made, and are you keeping up with them? We've already had a few days. Are you still sticking to that? No. I usually make resolutions, and this year, in fact, this 21 ending and this year had been very busy for me. So unfortunately, this year I did not have any resolution per se. But yes, I am looking forward to publish this book of mine on 11th. Now all it's all about love. को मुझे KDP पे लेके जाना है, and I have. You know, as you said, ki mujhe training karke, when I was a trainer, I really liked sharing knowledge with people, and that has given me a spark to write articles which bring knowledge to people's life. And I'm taking it forward, and I'm going to pursue a course in training so that in future I could have my own brand when it comes to training and personality development. This is what my plan is, but wo koi year specific nahi hai, Ronika ji, to be very honest. It is an ongoing plan. Right now I'm busy with mere bhai ki shaadi. Wo ho jaye, uske baad fir kuch aage badhega, you know. Puri duniya ek taraf, bhai ki shaadi ek taraf. Right. So good luck to you for your plans, and congratulations on your brother's wedding. And
And okay, so anything else you'd like to share, any message you'd like to give, or anything you'd like, anything else that you'd like to show from your blog? Yes, I have made a small video for this interview. So I'll just take 2 seconds to show that video to you. Right. Telling me to dance, taking a chance. This small slide was just to show, like, you know, never give up your dreams, because dreams is something which we keep living for, honestly. And my mom used to say, you know, कि लड़कियों के पंख जो होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, उनको अपनी उड़ान के हिसाब से वो पंख को छोटा और फैला लेती हैं. My mom always said that. And I absolutely believe in कि हम लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं ना, that we always accommodate according to the circumstances we are in. तो जहाँ पे ब्रेक लेना होता है वहाँ ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे उड़ान भरनी होती है वहाँ उड़ान भरते हैं. So never give up on your dreams. Just go ahead. Face the future, because you never know. You might think ki this future, this is not for me, but you never know ki wo aapke liye hi hai. So as you said that 2020 is a year of harmony, I'll definitely share this with my friends, because we are, like, you know, looking to this new Omicron coronavirus lockdowns. So it's a year of harmony. I'll keep things positive, and just give it a shot, you know. Don't self-doubt yourself. Right. So thank you so much, Deepika ji, once again for your time. It was a great pleasure talking to you. If you are watching this video, do check out Deepika ji's website. It's gleefulblogger.com. I'll put the link in the description box of this video. And do watch the short film Wrong Number on YouTube. It's really interesting. And you can go and check her ebook also. That's also there on her website. So you can look up all the different categories, whatever interests you the most. So and also you can check out the interviews of other bloggers on this YouTube channel. You can check out the entire playlist. So thank you so much, Ronika ji, for having me. It was, like, lovely conversation. I was actually nervous, you know, before having this conversation, but you made it sail through so smoothly. So I really enjoyed having on this show. Thank you so much. I really enjoyed talking to you and learning about your experiences. And so if you also enjoyed watching this video, please do like, share and subscribe. Thank you so much, and happy festivities again. Happy New Year again.